चलो अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। देखना प्रश्न है, दो विद्युत सेलों के समांतर या पार्श्व संयोजन के तुल्य ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त करना है। यहाँ पर देखना दो विद्युत सेल है, यहाँ पर देखना पहला विद्युत सेल बना रहा हूं, ये देखना पहला विद्युत सेल प्लस माइनस ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर ये देखना नीचे दूसरा विद्युत सेल बना रहा हूँ, ये इसका प्लस माइनस और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को ऐसे बॉक्स द्वारा बना देते हैं, यहाँ बॉक्स द्वारा बना दिया, ठीक है। अब इन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसलिए ऊपर नीचे जोड़ा हो। देखना इनको इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध आर आ गया है। बाह्य प्रतिरोध का मतलब इस संयोजन में जो तार जुड़े गए हैं उन तारों का प्रतिरोध है, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध आर आ गया है, फिर यहाँ पर एक कुंजी आ गई है, फिर इसको इस तरह से जोड़ दिया गया है। तो ये पहले सेल का ई एम एफ एफ साई वन, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर वन, ये दूसरे सेल का ई एम एफ एफ साई टू, ये आंतरिक प्रतिरोध आर टू, और ये जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका मान है आर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, अब बैटरी के प्लस सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो जो ये पहला सेल है इसका प्लस सिरा ये है, तो यहां से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा मान लिया आपका क्या है आई वन, और इसके प्लस सिरे से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा मान लिया आपका क्या है आई टू। अब ये दोनों विद्युत धाराएं यहां पर आकर मिलेंगे, यहां पर आपका क्या आ जाएगा आई वन प्लस आई टू, और यही विद्युत धारा मिलकर कुल क्या हो जाएगा आई। अब यहां से आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है यहां जाएगी, फिर आई विद्युत धारा यहां आएगी, फिर यहां से लौटकर आई विद्युत धारा यहां आएगी, फिर आई विद्युत धारा यहाँ पर आएगी। अब यहाँ से दो रास्ते में जाएगी, मान लिया इधर आने वाली विद्युत धारा आई वन है और इधर आने वाली विद्युत धारा क्या है आई टू है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिख दो, ए नाम लिख दिया, यहाँ बी नाम लिख दिया, यहाँ सी नाम लिख दिया, यहाँ डी नाम लिख दिया, यहाँ ई नाम लिख दिया, यहाँ एफ लिख दिया, यहाँ जी लिख दिया, यहाँ एच लिख दिया, इस कोने का नाम पी लिख दिया, इस कोने का नाम क्यू लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, आकृति में दो विद्युत सेलों के समांतर संयोजन को दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहां आकृति पर से देखना, ये I1 विद्युत धारा I2 विद्युत धारा मिलकर ही I विद्युत धारा हो रहा है, तब आप लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर एक। अब यहां पर देखना दो बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ है ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, मतलब ये नीचे वाला तार ये वाली लाइन छोड़ दिया, और दूसरा बंद परिपथ इस तरह से ए बी पी क्यू ई एफ जी एच ए, मतलब ऊपर वाला छोड़ दिया। इन दोनों बंद परिपथों में बारी बारी से किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। पहले ऊपर वाला बंद परिपथ देखना, बंद परिपथ ए बी सी डी ई एफ जी एच ए में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करने पर, मतलब ऊपर से ए बी सी डी ई एफ जी एच ए में, तो देखना अब इस बंद परिपथ में इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, ए से बी में कोई प्रतिरोध नहीं है, बी से सी में भी कोई प्रतिरोध नहीं है, सी से डी की ओर जाने पर आंतरिक प्रतिरोध देखो आर वन दिख रहा है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई वन है, और अपने हम विद्युत धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, हम देखना ए बी सी डी इस क्रम में जा रहे हैं और विद्युत धारा इधर आ रही है, जब विद्युत धारा की विपरीत दिशा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आई वन आर वन, तो ये चीज देखो यहाँ पर लिखा हो प्लस का आई वन आर वन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर प्रतिरोध कैपिटल आ रहा है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है, और हम विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इस क्रम में आ रहे हैं, विद्युत धारा इस दिशा में जा रहा है, तो प्लस का आई कैपिटल आर, और उसके बाद कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहली बैटरी दिख रही है, इसका प्लस सिरा सामने आ रहा है, बराबर का एप्साई वन, और उसके बाद इस बंद परिपथ में कहीं कोई बैटरी नहीं है, तो वही आई आर आई वन आर वन प्लस आई आर बराबर एप्साई वन। अब यहां से हमको आई वन का मान निकालना है, यहाँ पर प्लस का आई आर उधर जाएगा, माइनस का आई आर हो जाएगा, मतलब आई आर वन बराबर एप्साई वन माइनस आई आर। अब यहां से आई वन आर वन बटे चला जाएगा, आई वन बराबर एप्साई वन माइनस आई आर बटे आर वन, समीकरण नंबर दो। अब उसके बाद दूसरा बंद परिपथ ए बी पी क्यू ई एफ जी एच ए में, ए बी पी क्यू ई एफ जी एच ए में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करने पर, ए से बी में प्रतिरोध नहीं है, बी से पी में भी प्रतिरोध नहीं है, पी से क्यू की ओर जाने पर प्रतिरोध आर टू है और धारा आई टू है, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस का आई टू आर टू। फिर उसके बाद क्यू से ई में प्रतिरोध नहीं है, ई से एफ में प्रतिरोध नहीं है, एफ से जी में प्रतिरोध नहीं है, जी से एच में है और यहाँ प्रतिरोध आर है, हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस का आई कैपिटल आर, और उसके बाद कहीं प्रतिरोध नहीं है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो बैटरी का प्लस सीधा सामने दिखा, बराबर एप्साई टू, वही चीज आई टू आर टू प्लस आई आर बराबर एप्साई टू। यहां से हमको आई टू का मान निकालना है, आई टू आर टू बराबर एप्साई टू माइनस आई आर हो जाएगा, तो
I2 बराबर एप्साई टू माइनस आई आर बटे आर टू, समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। अब जो समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 में I1 और I2 का मान रखने पर, देखो यहाँ I1 का मान निकला है, यहाँ I2 का मान निकला है, तो समीकरण नंबर 1 में I1 तथा I2 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में I बराबर, अब I1 का मान क्या है एप्साई वन माइनस आई आर बटे आर वन, फिर प्लस एप्साई I2 का मान क्या है एप्साई टू माइनस आई आर बटे आर टू। अब यहाँ हर समान नहीं है तो तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, नीचे का नीचे होगा, तो वही चीज देखना। I बराबर आपका देखना, इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो R2 इनटू एप्साई 1 माइनस IR, फिर प्लस R1 इनटू एप्साई 2 माइनस IR पूरे का बटे R1 R2। अब यहां पर ये R1 R2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा IR1 R2, अंदर गुणा करेंगे एप्साई 1 R2 माइनस IR R2 प्लस एप्साई 2 R1 माइनस IR R1। अब यहां पर देखना I वाला सारा टर्म इस साइड लाएंगे, यहाँ आई आर वन आर टू, अब ये आई वाला माइनस का इधर आएगा प्लस का आई कैपिटल आर आर टू, फिर ये वाला इधर आएगा प्लस का आई कैपिटल आर आर वन बराबर यहाँ पर एप्साई वन आर टू प्लस एप्साई टू आर वन। अब यहाँ पर इन तीनों से आई कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखना सबसे पहले इसको लिखा हूं, देखना जब आई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर R1 कैपिटल R प्लस R2 कैपिटल R बराबर प्लस R1 R2, देखना यहाँ पर R कैपिटल R R1 प्लस कैपिटल R R2 प्लस R1 R2, ये ब्रैकेट बचा बराबर एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1। अब ये देखना ध्यान से, इन दोनों से R कॉमन ले आऊं तो I ब्रैकेट में जब इन दोनों से R कॉमन लूंगा R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बराबर एप्साई 1 प्लस एप्साई 2 प्लस मतलब एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 आपका ये बचा। अब I का मान निकालेंगे तो पूरी संख्या बटे में चला जाएगा, तो I बराबर एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 बटे में R इनटू R1 प्लस R2 फिर प्लस R1 R2, ठीक है। अब यहां पर गौर करना ध्यान से, जो तुलना करने वाला समीकरण होता था I बराबर एप्साई EQ बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल REQ होता था, उससे तुलना अपने किया जाता था, ये समीकरण से अपने को तुलना करना है, तो ये समीकरण से तुलना करते समय ध्यान देना इस कैपिटल R के साथ कोई संख्या नहीं है, तो यहां पर देखना इस समीकरण में कैपिटल R के साथ R1 प्लस R2 गुणे में है, तो इस R1 प्लस R2 को समाप्त करना है, तो अंश और हर के प्रत्येक पद में R1 प्लस R2 का भाग देंगे इस समीकरण में, तो यहां पर देखना आई बराबर एप्साई वन आर टू प्लस एप्साई टू आर वन पूरे का बटे R1 प्लस R2, और यहां पर जब अपने R1 प्लस R2 का भाग देंगे खाली R बचेगा, प्लस यहां पर R1 प्लस R2 का भाग देंगे R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसको समीकरण नंबर 4 कर दिया। अब समीकरण 4 की तुलना आई बराबर एप्साई EQ बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल REQ से करने पर, तब इसका मतलब यहां पर जो ऊपर वाला यहां प्रमाण है वो एप्साई EQ होगा, तो वही एप्साई EQ बराबर आपका क्या आएगा एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 बटे R1 प्लस R2, और ये नीचे वाला यहां का मान REQ होगा, तो वही REQ का मतलब R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अब देखना इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे REQ बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, जैसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होता था वैसे यहां पर सेलों के समांतर संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 जैसा सूत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहां तक जो प्रश्न था उसके अनुसार यहां तक जवाब पूरा हो गया, लेकिन अगर इन दोनों का अनुपात निकाले, जो एप्साई EQ और REQ आया है दोनों का अगर अनुपात निकाले, तो एप्साई EQ बटे REQ, तो एप्साई EQ का ये पूरा मान देखो लिख दिया एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 पूरे का बटे R1 प्लस R2, और REQ का मान R1 R2 पूरे का बटे R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, यहां एप्साई 1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 पूरे का बटे R1 R2, अगर अलग-अलग बटे में लिखें एप्साई 1 R2 बटे R1 R2 प्लस एप्साई 2 R1 बटे R1 R2, अब यहां पर R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा एप्साई 1 बटे R1, और यहां पर R2 से R2 आपका कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, एप्साई 2 बटे R2 आ जाएगा, मतलब एप्साई EQ बटे REQ बराबर एप्साई 1 बटे R1 प्लस एप्साई 2 बटे R2, अर्थात कहने का मतलब अगर दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य EMF और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात एप्साई 1 बटे R1 प्लस एप्साई 2 बटे R2 होता है। इस तरह से अगर यंग सेलों को जोड़ा जाए तो एप्साई EQ बटे REQ बराबर एप्साई 1 बटे R1 प्लस एप्साई 2 बटे R2 प्लस डॉट डॉट एप्साई N बटे RN। तो कभी कभी तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तुल्य EMF के अनुपात को भी प्राप्त करो, ऐसा प्रश्न में लिखा आता है। 4 नंबर का यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ओके।